नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे रेडिकल सम्राट यूट्यूब चैनल में। सम्राट विश्वास आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबा देना। चले शुरू करते फ्रेंड। इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप कैसे मोबाइल से गैस बुकिंग कर सकते। पहले तो आपको बुकिंग करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता था, ऐसे आपको गैस मिल जाता था। लेकिन अभी का टाइम पे फ्रेंड बुकिंग करने का जरूरत है। अगर आप बुकिंग नहीं करोगे तो आपको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा, आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। अगर आप बुकिंग करना सीख जाओगे कैसे मोबाइल से आप गैस बुकिंग कर सकते तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। आप घर बैठ के बुकिंग कर देना, आपको घर तक गैस आ जाएगा। अगर जिधर में सप्लाई देते घर घर तक उधर में तो आपको घर तक आ जाएगा। अगर जहाँ पे घर में सप्लाई नहीं देता उधर में आप आसानी से जाके कोई भी वेटिंग स्टोर के गैस लेके आ सकते। तो कैसे बुकिंग करना है फ्रेंड वो आपको सिखाऊंगा। वीडियो को बिना स्किप करके आखिर तक देखते रहे। चलिए शुरू करते हैं। आप अगर पहले बार इस्तेमाल करने जाओगे तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। तो प्ले स्टोर ओपन कर लेना। तो आप अगर कोई भी गैस कनेक्शन है आपको, जैसे भारत गैस है, फिर इंडियन गैस है, एसपी है, तो वो जो एप्लीकेशन है उसको आसानी से आप इधर में लिख के सर्च कर देना तो उसका जो एप्लीकेशन है आपका सामने आ जाएगा। आप जो भी गैस यूज करते हैं तो उसका एप्लीकेशन आप इधर से डाउनलोड कर लेना। इधर में फ्रेंड में पहले से डाउनलोड करके रखा हो तो इधर से ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड ओपन करने के साथ साथ आपका सामने पेज खुल जाएगा। लेकिन आप अगर पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका पास ये पेज नहीं आएगा, आपको मोबाइल नंबर मांगेगा और वो मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा जो आपको बैठाना पड़ेगा। फिर आपका सामने ऐसे पेज आएगा। तो ध्यान रखना जो नंबर वही नंबर आपको इधर देना है, जो नंबर आपको गैस जो सेंटर है उसमें दिया हुआ है वही नंबर देके आप इधर से ओपन कर सकते हैं। अगर दूसरा नंबर डालोगे जो आपका गैस सेंटर से कनेक्टेड नहीं है तो उससे नहीं होगा। जो नंबर आपको कनेक्टेड है वही नंबर यहाँ पे डालना। तो आपका सामने कुछ इस तरह पे खुल जाएगा, आप इस तरह यूज कर पाओगे। तो मैं इसका पूरा फीचर्स के बारे में बताते फ्रेंड। फ्रेंड पेज खोलने के साथ साथ आपका सामने कुछ इस तरह आ जाएगा। तो इधर में आपको दिख जाएगा क्विक बुकिंग पे, फिर रिफर हिस्ट्री, फिर सर्विस को रिक्वेस्ट, फिर इमरजेंसी हेल्पलाइन। फ्रेंड आप अगर इधर से देखना चाहते हैं जो कौन कौन सा तारीख में आप गैस बुकिंग किया था, डिलीवरी में आया था, तो उसका पूरा डिटेल्स, उसका कीमत कितना था वो भी आपको इधर में चेक कर पाओगे। तो आपको रिफिल हिस्ट्री में जाना है, रिफिल हिस्ट्री पर क्लिक कर देना तो आपका सामने वो पेज आ जाएगा जिसमें आप देख पाओगे पिछले बार आप कौन सा तारीख में बुकिंग किया था और कौन सा तारीख में डिलीवरी लिया था। और उसके साथ डिलीवरी आई डी है फ्रेंड वो भी आपको मिल जाएगा इधर में। ए टू जेड डिटेल्स आपको मिल जाएगा, आप देख पाओगे आसानी से। और फिर भी अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो इमरजेंसी में आप फ़ोन कर सकते, फिर सर्विस रिक्वेस्ट भी कर सकते। कोई भी सर्विस में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप इधर से सर्विस रिक्वेस्ट में क्लिक कर सकते हैं। और इसका जो पूरा फीचर्स उसके बारे में बताते फ्रेंड। आप ऊपर में आपका नाम दिख जाएगा, आपका कस्टमर आईडी दिख जाएगा फ्रेंड, कस्टमर नंबर दिख जाएगा, फिर आपका मोबाइल नंबर दिख जाएगा, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका भी उसके बारे में भी जान सकते, उसके साथ में बात कर सकते। फिर इधर में आपको टॉक टू वॉस मतलब उसके साथ बात करने का कोई भी दिक्कत हो रहा है तो उसके साथ बात कर सकते। फिर रिक्वेस्ट फॉर सेकंड सिलेंडर, दो सिलेंडर के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। फिर इधर में फ्रेंड ज़्यादा खास कुछ नहीं, आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते, एजिट भी कर सकते, नोटिफिकेशन भी दे सकते। जब आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा तो आप इधर से ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इधर में आप उसको रेटिंग भी कर सकते। तो हर ऐप में फ्रेंड आपको कोई भी ऐप गैस कनेक्शन है, जैसे एसपी है, इंडियन है, भारत गैस है, तो उसका सिस्टम फ्रेंड एक ही है। तो ऐसे आप आसानी से कर पाओगे। अभी बताते आपको जो बुकिंग कैसे करना है। तो इधर में फ्रेंड आपको मिल जाएगा क्विक बुकिंग एंड पे का ऑप्शन। तो इसमें जाने के बाद आपका सामने ऐसे आपका नेम आ जाएगा, आपका कस्टमर आईडी आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको सामने मिल जाएगा, तो यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट में क्लिक कर देना एंड बुकिंग नाउ पर क्लिक कर देना। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं आप अभी अभी मेरे आपका सामने बुकिंग किया है। तो बुकिंग का जो हिस्ट्री है ये सामने आ गया। मेरा ऑर्डर नंबर देख सकते, रिफिल आईडी देख सकते, कस्टमर नेम देख सकते, बुकिंग डेट देख सकते। इतना आसानी से फ्रेंड मेरा जो गैस है वो बुकिंग हो गया है। तो आप उधर से जाके भी ले सकते। अगर आपको घर पे डिलीवरी करने के लिए आते तो आपको घर पे देके जाएगा। तो इधर में फ्रेंड अबार आप इधर से पेमेंट करना चाहते तो मेक पेमेंट में क्लिक कर देना। इधर से आप आसानी से पेमेंट कर पाओगे, आपको बाद में देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप बाद में देना चाहते जब गैस मिलेगा तो अभी देना चाहते तो भी आप कर सकते। तो उसके लिए आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करने का कोई जरूरत ही नहीं है। आपको आसानी से अभी गैस बुकिंग हो गया, आप इधर से उठा पाओगे। और इस फीचर से फ्रेंड आप अगर कुछ प्रॉब्लम में फंस गए
तो आप इधर का हिस्ट्री है, हेल्पलाइन है, इसका हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो आपको कोई शेरखानी नहीं करना है इधर में, सिंपली आपको क्विक बुक पे क्लिक कर लेना तो हो जाएगा। तो फ्रेंड इस तरह आप भी आपका मोबाइल से गैस बुकिंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी सिर्फ एक क्लिक करके। मैं उम्मीद रखता हूँ आप सीख गया होगा जो कैसे गैस बुकिंग करना है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसको अप्लाई करूंगा। और आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो जरूर शेयर करना आपका फ्रेंड के साथ, आपका रिश्तेदार के साथ, तो उसको भी थोड़ा काम पे लग जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और हमेशा हमारे साथ में रहने के लिए चैनल का सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।